नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। विपक्ष के विरोध के बाद भी सूचना का अधिकार संशोधन बिल गुरुवार को संसद में पारित हो गया। इस संशोधन के जरिए सूचना के अधिकार कानून 2005 में कई बदलाव किए गए हैं, जिसने विपक्षी दलों को गंभीर आपत्तियां रही। मुख्य तौर पर इसमें केंद्र और राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के अधिकारों में कटौती कर दी गई है, जिसकी वजह से विपक्ष इसे पास नहीं होने देना चाहता था। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने ये बदलाव इसलिए किए हैं ताकि सूचना आयुक्तों की शक्तियों को कम कर उन्हें अपने नियंत्रण में किया जा सके। अगर संक्षेप में इस कानून पर अगर एक नजर डालें तो साल 2005 केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी। तारीख थी 12 अक्टूबर। सरकार ने एक नया कानून लागू किया जिसका नाम था सूचना का अधिकार, जिसे राइट टू एक्ट यानी RTI भी कहा जाता है। इस कानून के लागू होने के बाद दबी छिपी सूचनाएं भी लोगों के पास पहुंचने लगी। इस कानून की वजह से तत्कालीन सरकार की खूब तारीफ भी हुई। मनमोहन सिंह की सरकार 2009 में भी दोबारा सत्ता में आई। कानून चलता रहा, लोगों तक सूचनाएं पहुंचती रही। करीब 14 साल बाद इस कानून में कुछ बदलाव किए गए, लेकिन इस बदलाव को लेकर सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोकसभा में संशोधन के पक्ष में 218 वोट पड़े और वहीं विपक्ष में 79 वोट पड़े। ये संशोधन भी लोकसभा में पास हो गया। अगर बात करें कि यह कानून क्या है और क्या होंगे बदलाव, अगर इन बातों को अगर गौर से देखें तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के दो सेक्शन में बदलाव हुए हैं। पहला सेक्शन है 13 और दूसरा है 16। 2005 के कानून में सेक्शन 13 में जिक्र था कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 साल या फिर 65 साल की उम्र तक जो भी पहले हो वो होगा। 2019 का संशोधन कानून कहता है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का कार्यकाल केंद्र सरकार पर निर्भर करेगा। साल 2005 के कानून में सेक्शन 13 में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की तनख्वाह का जिक्र है। मुख्य सूचना आयुक्त की तनख्वाह मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तनख्वाह के बराबर होगी। सूचना आयुक्त की सैलरी निर्वाचन आयुक्त की सैलरी के बराबर होगी। 2019 का संशोधन कानून कहता है कि मुख्य सूचना आयुक्त की सैलरी और सूचना आयुक्त की सैलरी केंद्र सरकार तय करेगी। 2005 के ओरिजिनल RTI एक्ट के सेक्शन 16 में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का जिक्र है, जिसमें लिखा है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य के सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 साल या फिर 65 साल की उम्र तक होगा। जो पहले होगा वो होगा। यानी 2019 का संशोधन कानून कहता है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल केंद्र सरकार तय करेगी। 2005 के ओरिजिनल एक्ट के मुताबिक राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की सैलरी राज्य के निर्वाचन आयुक्त की सैलरी के बराबर होगी। राज्य के सूचना आयुक्त की सैलरी राज्य के मुख्य सचिव के बराबर होगी। वहीं संशोधित एक्ट के मुताबिक राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की सैलरी केंद्र सरकार तय करेगी। चलिए जान लेते हैं क्यों हो रहा है इस कानून का विरोध। विपक्षी दल केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित बदलाव का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि RTI एक्ट बनने के बाद पिछले कई सालों से सब कुछ बिना किसी दिक्कत के चल रहा था और सूचना आयुक्त का पद सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त था। इस दौरान वेतन और कार्यकाल के लिए वे किसी भी तरह से सरकार पर आश्रित नहीं थे और इसी वजह से अपना काम मुक्त होकर कर रहे थे। लेकिन नए संशोधन के बाद अब सूचना आयुक्तों का वेतन और कार्यकाल केंद्र सरकार ही तय करेगी। ऐसे में सूचना आयुक्तों को सरकार के प्रति जवाबदेह बनते हुए उसकी आज़ादी को सीमित कर दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपना वेतन और कार्यकाल बढ़ाने के लिए आयुक्त सरकार के खिलाफ फैसले लेने से बचेंगे। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि सरकार ने इन कानूनों को बिना नाखून और दांत वाला शेर बनाते हुए इसकी शक्तियां हड़प ली है और उसने ये सब कुछ सूचना आयुक्तों को अपने अधीन काम करने पर मजबूर करने के लिए किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने बिल में बदलाव का समर्थन किया है। केंद्र सरकार का तर्क है कि ये सूचना आयुक्त की सैलरी और उसका कार्यकाल इलेक्शन कमीशन की सैलरी और उसके कार्यकाल पर निर्भर करता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का काम और सूचना आयुक्त का काम अलग अलग है, लिहाजा दोनों के स्टेट्स और उसके कामकाज की स्थितियां अलग अलग हैं। गृह राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा कि केंद्रीय सूचना आयुक्त और सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का दर्जा दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज के आदेश को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन RTI के साथ ऐसा नहीं होता है। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी पोस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।